Hello and good afternoon to all of you. I, Anupama, welcome you all at the platform of Saval Classes, and we are doing the preparation of Master Catered English exam and through our MCQ series as well. So today is going to be our 21st session of the MCQs. It is the 21st lecture of where we are doing MCQs. So, yes, we are going to start with our question series. Okay. So, our question first for today is question number one is how many children do Ramses have in the lighthouse? How many children do Ramses have in the lighthouse? Six, seven, eight, or five? It is a bit blurred today, so please manage. हां जी, how many children do Ramses have in the lighthouse? Six, seven, eight or five? हां जी, they have eight children, right? The answer is eight. Ramsey family have eight children, right? Very good. Then question number two is, in which fictional city Foster's A Passage to India is set? किस फिक्शनल सिटी की बात है पैसेज टू इंडिया में? चंदनपुर, चंदरपोर, चांदीपुर और चंदापुर? विच इज द फिक्शनल सिटी इन पैसेज टू इंडिया? That fictional city is Chandrapur. That fictional city is Chandrapur, right? Yes. कहाँ की कहानी है जहां पे वो सब कैरेक्टर्स रहते हैं, जहां पे एडल और मिसेस मूर भी आती हैं घूमने के लिए? दैट सिटी इज चंद्रपुर, राइट? ओके, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड. And question number third is, who says exterminate all the brutes? Who says exterminate all the brutes? Kurtz, Marlowe, accountant or brickmaker? Who says exterminate all the brutes? Kurtz, Marlowe, accountant or the brickmaker? Who makes this remark? This remark is made by कर्ट्स, राइट? मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि पहले सोच के आया था कर्ट्स कि मैं नेटिव्स को सिविलाइज करूंगा, लेकिन आइवरी के लालच ने इन लोगों को इतना अंधा कर दिया था दैट दे फेल्ट लाइक कि अब इनको ये नहीं पता लगना चाहिए कि आइवरी को ये कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि ये कितनी महंगी बिक रही है, हम एक्सप्लॉइट करेंगे. तो इन लोगों के बीच में कंपटीशन था. फिर चाहे सेंट्रल स्टेशन का जो अकाउंटेंट था वो और कर्ट्स, ठीक है, कर्ट्स सबसे ज्यादा आइवरी एक्सपोर्ट कर रहा था, वो हम लोगों ने पढ़ा है ना. और उसका कॉम्पिटिशन, उसके साथ कॉम्पिटिशन कौन कर रहा था? दैट अकाउंटेंट एट द सेंट्रल स्टेशन, राइट? जो वेट कर रहा था कि कर्ट्स की कब डेथ होगी और कब उसकी प्रमोशन होगी, राइट? नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर. हु वाज डिस्क्राइब्ड बाय फॉस्टर एज द ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव ऑफ माय जनरेशन? जेम्स जोइस, वर्जीनिया वुल्फ, डीएच लॉरेंस और जोसेफ कॉनरेड? हु वाज डिस्क्राइब्ड बाय फॉस्टर एज द ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव? यस, वेरी गुड आर्यन. Let some more answers come. I'm waiting for some more answers. Right. Greatest imaginative to whom Foster referred with this statement is D.H. Lawrence. Right. D.H. Lawrence को उसने कहा कि सबसे बड़ा इमेजिनेटिव राइटर है हमारी एज का, ठीक है? ओके, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फाइव. हु इनहेरिट्स हार्वर्ड्स एंड व्हेन हेनरी डाइज? हां जी, सारी की सारी लड़ाई हार्वर्ड एंड घर को लेके थी. हार्वर्ड एंड में
है ना। तो एक्चुअल में फिर एंड में वो घर किसका हो जाता है, मार्गरेट का, चार्ल्स का, एवी का, और इज इट गिवन टू हेलेन्स चाइल्ड। बच्चे मार्गरेट शेलगर्ल उसकी केयर टेकर बनती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फाइनली जो वसीयत में लिखा जाता है, जो वसीयत में लिखा जाता है कि किसको मिलेगा ये घर, मार्गरेट बिकम्स द केयर टेकर, बट हु इनहेरिट्स, यस एग्जैक्टली हेलेन्स चाइल्ड, हेलेन के बच्चे के नाम कर दिया जाता है ना। यस वेरी गुड तक्ष रविंदर, राइट, इट इज गिवन टू हेलेन्स चाइल्ड, नॉट मार्गरेट। मार्गरेट इज जस्ट द केयर टेकर जब तक कि वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, ओके यस, जब उनको पता लगता है कि किस तरीके से उनकी फैमिली के बेटे ने जो मतलब जो ओनर थे उन्होंने हेलेन को मोलेस्ट करा था, है ना, ओके। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज हु इज डोरिस किलमैन इन मिसेस डेलोवे, हु इज डोरिस किलमैन इन मिसेस डेलोवे, एंड आई नो दैट यू नो द आंसर, हु इज डोरिस किलमैन इन मिसेस डेलोवे, शी इज क्लैरिसास फ्रेंड, रिचर्ड्स फ्रेंड, एलिजाबेथ्स टीचर और सेप्टिमसेस फ्रेंड, कौन है डोरिस किलमैन? डोरिस किलमैन इज, ओके वेरी गुड, यस यू नो इट, एलिजाबेथ की टीचर है वो, है ना, क्लैरिसा की जो बेटी है उसकी टीचर है वो, बड़ी अगली लुकिंग है देखने में, खाना भी खाती है तो जंगलियों की तरह खाती है, एंड शी इज वेरी मच जेलस टुवर्ड्स वुमेन लाइक क्लैरिसा, है ना, क्योंकि उसको लगता है कि इसको सब, इनको सब कुछ मिला हुआ है, तो वो एलिजाबेथ को अपने होल्ड में रखने की कोशिश करती है, ठीक है, उसको अपने ज्यादा जो है टच में रखने की कोशिश, क्लोज रखने की कोशिश करती है। यस, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, विद विच डे जोइसेस फैंस सेलिब्रेट 16th जून, द वन डे ऑफ द स्टोरी ऑफ यूलिसिस, ठीक है, अगेन यूलिसिस भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में लिखा हुआ है, एक दिन की कहानी है, 16th जून की कहानी है, तो उस डे को जेम्स जोइस के जो फैंस हैं वो किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, ब्लूम्स डे, डूम्स डे, बूम्स डे और ब्लफ डे, हाउ डू दे रेफर टू दिस डे, यस एग्जैक्टली वेरी वेल डन, दे रेफर टू दैट डे एज ब्लूम्स डे, यस दे कॉल इट ब्लूम्स डे, राइट। Now we move on to question number 8. To the story of the lighthouse covers up the years. We know that it is a story of 10 years. 10 साल तक की कहानी है, है ना? लेकिन वो 10 साल कौन से हैं? 1920 to 30, 1930 to 40, 1900 to 10 or 1910 to 20. Which period is covered up into the lighthouse? Which 10-year period is covered up into the lighthouse? You all know that? Yes, it is. Very well done. Urmil, Sunita, Aryan, Khushi, Gurtej. Very good. It is? Yes. Taksh, Jairu, Pravinder. Very good, bache. 1910 to 1920. 10 years ka span cover kara hai story ne. Aur, kaun se saalon mein? From 1910 to 1920. Okay. Now we move on to question number 9. Which of these doesn't make a section of a room of one's own? A room of one's own is divided into 5 parts. Right? Isme se kaun sa part usme included nahi hai? Women's access to education, the 4 magis, lesbianism or building a history of women's writing. Which of these is not a part of a room of one's own? Yes, very good. It is the 4 magis. Kyunki actually naam kya hai? The 4 Marys. The 4 Marys.
है ना, क्योंकि जिसमें जिस पार्ट में वो क्या कहती है कि नाम में क्या रखा है ना, जिस पार्ट में वो कहती है कि नाम में क्या रखा है, कुछ भी कह लो, नरेटर कौन है, कुछ भी कोई भी कह लो, नाम में क्या रखा है। और एक जो पार्ट हमने छोड़ दिया वो कौन सा पार्ट था, जो एक पार्ट हमने छोड़ दिया वो कौन सा था, दैट वॉज जूडिथ शेक्सपियर, दैट वॉज जूडिथ शेक्सपियर, दैट वॉज द फिफ्थ पार्ट ऑफ अ रूम ऑफ वन्स ओन, द फेमिनिस्ट वर्क बाय वर्जीनिया वुल्फ, हु ब्लेम्स डॉक्टर अजीज फॉल्सली ऑफ मोलेस्टेशन, यस कौन लगाता है मोलेस्टेशन का इल्जाम अजीज पे, एडल, मिसेस मूअर और एबेल, हु ब्लेम्स अजीज ऑफ मोलेस्टेशन व्हेन दे गो टू द केव्स, यस इट इज एडल, राइट, जिसकी शादी मिसेस मूर के बेटे के साथ होने वाली है, हालांकि मिसेस मूर को विश्वास होता है कि अजीज ने ऐसा कुछ नहीं करा, है ना, वो बोलना भी चाहती है पर पता नहीं क्यों वो बोल नहीं पाती है, वापस जा रही है लंदन और रास्ते में उसकी सी में ही डेथ हो जाती है ना। एडल जो है वो ब्लेम करती है, उसको हलूसिनेशंस होते हैं, कुछ वहम होता है और वो ब्लेम करती है कि अजीज ने उसको रेप करने की कोशिश करी है, यस राइट ओके। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर 11 इज इन विच ईयर डीएच लॉरेंसेस Women in Love got published. हाँ जी, Women in Love कब पब्लिश हुआ था, 1818, 1821 or 1822? In which year Women in Love got published? Yes. Keep coming with the answers. It got published in, right? 19. Yes, sorry. So, yes, you all are saying it right. It is 1920. Yeah, yeah, I've corrected them, Rajni. Yes. 1920. It should be 19 everywhere. I don't know, like I was maybe thinking about something else and I wrote 18s. Right? It's 1920. Right. Okay, now we move on to question number 12. Which is the first novel of D.H. Lawrence? The Trespasser, Women in Love, The Rainbow or The White Peacock? Which is the first novel of D.H. Lawrence? First novel of D.H. Lawrence. Yes, it is The White Peacock. Right. White Peacock is the first novel of D.H. Lawrence. है ना? जो कि उसने पूरी कोशिश करी कि उसकी मदर की डेथ से पहले जो है पब्लिश हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी मदर जो है उसका वो नॉवल देख नहीं पाई थी. She died before that. है ना? Okay. Now we move on to question number 13. What is the full name of Conrad? Full name क्या है Joseph Conrad का? Joseph Theodore Conrad? Yes. इसका जो subtitle है that is Letita. Subtitle is Letita. Right. Very good Baljeet. And Sandeep. Right. Okay. So what is the full name of Joseph Conrad? Joseph Theodore Conrad? Jack Theodore Conrad or Joseph Theodore Conrad? Full name of Joseph Conrad? Yes, exactly, Baljeet. Earlier title was Letita. Yes, it's Joseph Theodore, not Theodore. It's Joseph. और कहीं कहीं पे आपको जोसेफ की स्पेलिंग लिखे हुए मिलेंगे, J O Z E F,
राइट, इट्स जोसेफ थियोडोर कॉनरेड. राइट, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. विद होम जिम फॉल्स इन लव इन द कोर्स ऑफ द स्टोरी. लॉर्ड जिम में किसके साथ प्यार हो जाता है जिम को? जिनी, जिमी, जिनी, जूल और जेनी. विद होम जिम फॉल्स इन लव. यस एग्जैक्टली रवनीत, गुरप्रीत, संदीप, खुशी इज राइट. ही फॉल्स इन लव विथ, he falls in love with Jewel. Right, very well done. Sheenu, Kanta, Urmil, Sunil, Taksh, Baljeet, Raman, Jasbir, sorry, Jasbir is not right. Ravinder, Pavan, Ritu, Aryan, Jairo, Sandeep, Baljeet, Dilbagh, Ruhi. Yes, you all are right, bache. Anu is also right. Balkar is also right. Preeti is also right. Yes, it is Jewel. Okay, now we move on to question number 15. What is the actual name of Lady Chatterley? Lady Chatterley ka jo actual name hai wo kya hai? Catherine Reed, Constance Reed, Charlie Reed or Charlotte Reed? What is the actual name of Lady Chatterley? Yes, you all know the answer. Actual name of Lady Chatterley, Catherine Reed, Constance Reed, Charlie Reed or Charlotte Reed? The actual name is, you seem to be confused. Raman is right. Raman, you are right, bache. It's Constance Reed. Yes, Sunil, very good. Lady Chatterley ka jo बिगिनिंग जो नेम है बिफोर शी बिकम्स अ प्रोस्टिट्यूट ऑलमोस्ट, हर नेम इज कॉन्स्टेंट रीड, कॉन्स्टेंस. यस बलजीत, वेरी गुड बच्चे. जयरूप, रुपिंदर, पवन, खुशी, प्रीति, राइट. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. विद हुम ईएम फॉस्टर हैड अ होमोसेक्सुअल रिलेशन. हालांकि ये कहा जाता है, इट वॉज बहुत ज्यादा खुल के इस बारे में कहीं पे बात नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि उस पर्सन का किसी और के साथ जो है होमोसेक्सुअल रिलेशन था. जैसे हमने कल लेस्बियन रिलेशनशिप की बात करी थी, तो एक जो है सेम सेक्स जो रिलेशनशिप था, लेकिन ईएम फॉस्टर के साथ इतना क्लियर नहीं था, पर था, कहीं कहीं पे बात हुई है उसके बारे में. यस, इट इज एडवर्ड कारपेंटर. और एडवर्ड कारपेंटर ने ही ईएम फॉस्टर को मॉरिस लिखने के लिए जो है एनकरेज करा था. राइट, मैं अगेन बात रिपीट कर रही हूं बच्चे, ज्यादातर जगह पे आपको ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि ईएम फॉस्टर का भी रिलेशनशिप था. ज्यादातर ये लिखा हुआ मैंने पढ़ा है कि एडवर्ड कारपेंटर का किसी और के साथ होमोसेक्सुअल रिलेशन था, जिसके बारे में उसने ईएम फॉस्टर को मॉरिस लिखने के लिए बोला. बट देयर आर सम प्लेसेस वेयर इट इज मेंशन्ड दैट ईएम फॉस्टर हिमसेल्फ वाज आल्सो इनटू अ होमोसेक्सुअल रिलेशन विद एडवर्ड कारपेंटर. राइट, ओके, सो देयर इज एन इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू रिगार्डिंग आवर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप. तो यू जस्ट हैव टू सेंड योर नेम, योर मास्टरकेडर सब्जेक्ट फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग ऑन दिस नंबर एंड यू विल बी पार्ट ऑफ द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप where you will get the study material totally free from time to time. Okay, so you can join, just send the WhatsApp message and you will be part of that free WhatsApp group. Okay, now we move on to our next question, and the question number 22 is, to whom does Ruth Wilcox wish to leave Howard's End? हमने पढ़ा कि वो दे दिया जाता है हेलेन के बेटे के नाम पे कर दिया जाता है, ठीक है, जो भी उनकी फैमिली में क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी हेलेन के लिए, ठीक है, उनके जो है फादर की वजह से, रूथ विलकॉक्स के हस्बैंड की वजह से. तो लेकिन रूथ किसको देके जाना चाहती थी घर, रूथ किसके नाम पे करना चाहती थी घर, कि ये मेरे घर का सबसे अच्छा ख्याल रखेगी? मार्गरेट, हेनरी, चार्ल्स और एवी. हाँ जी,
ओके देयर सम क्वेश्चंस आर अगेन मिस्ड. आई एम सॉरी बच्चे, आई एम सॉरी. आई विल ऐड इट आफ्टरवर्ड्स, आई विल ऐड दोज क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड्स. लेट मी सी. यस दे आर मिस्ड, सॉरी. ओके सो द क्वेश्चन नंबर इज 22, एंड किसके लिए छोड़ के जाना चाहती है वो, किसको देना चाहती है घर अपना? मार्गरेट को, है ना. शेल्गल सिस्टर्स में जो सबसे बड़ी बहन है, जो रूथ विलकॉक्स का ख्याल भी रखती है, जब वो बीमार हो जाती है तो वो उसको अपना घर देके जाना चाहती है. लेकिन जो फैमिली है रूथ विलकॉक्स की, उसका जो बेटा है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता इस बात को. एंड एज सून एज रूथ विलकॉक्स डाइज, वो मार्गरेट को अपने घर से भी निकाल देते हैं, है ना. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज, व्हाट इज पिक्यूलियर अबाउट द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी इन हार्ट ऑफ डार्कनेस? व्हाट इज पिक्यूलियर, कुछ एक खास फीचर है, ठीक है, कंपनी का जो अकाउंटेंट है हार्ट ऑफ डार्कनेस का, क्या खास बात है उसके बारे में? ही ड्रेसेस इन ऑल ग्रे, ही ड्रेसेस इन ऑल व्हाइट, और ही ड्रेसेस इन ऑल ब्लैक. व्हाट इज द पिक्यूलियर फीचर ऑफ द अकाउंटेंट? He dresses in all grey. हालांकि वो बड़ा शातिर है, बड़ा चलाक है. He wishes every day कि कर्ट्स की डेथ आज हो जाए, कर्ट्स की डेथ आज हो जाए. Yes, it is. He dresses in all white. He dresses in all white. वो हमेशा पूरे के पूरे व्हाइट कपड़े पहन के रखता है बच्चे, ठीक है. ओके नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24. What was the original title of Sons and Lovers? And I know you all are aware of it. Original title of Sons and Lovers: William Morrill, Walter Morrill, Arthur Morrill, or Paul Morrill? What is the original title of Sons and Lovers? Yes, very easy one. Paul Morrill, जो कि डीएच लॉरेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है डीएच लॉरेंस का, राइट. डीएच लॉरेंस का सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, तो कुछ चीजें फैक्चुअल भी हैं, कुछ चीजें फिक्शनल भी हैं, है ना. तो पॉल मॉरल इज द वन हु स्टैंड्स फॉर डीएच लॉरेंस, राइट. और उसका अर्लियर जो टाइटल था वो भी पॉल मॉरल ही सोचा था, डीएच लॉरेंस ने. यस देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25. विच डॉटर, एक्चुअली डॉटर नहीं है, ठीक है, मैं क्वेश्चन क्रिएट कर गई एंड देन आई रियलाइज्ड इट शुड बी, हम ये कार्ड देते हैं, ये कार्ड देते हैं. द क्वेश्चन विल बी हु मैरीज पॉल रेले? रोज राम से, नैन्सी राम से, मिंटा डोयल और कैमिला राम से? हु मैरीज मिंटा डॉयल पॉल रेले ऑन व्हेन मिसेस रामसे फोर्सेस? मिसेस रामसे किसकी शादी करवा देती है पॉल रेले के साथ? यस एग्जैक्टली, वेरी गुड. इट इज मिंटा डॉयल. डॉटर नहीं है उनकी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन काट दिया बच्चे, यहां से इसलिए मैंने ये इसको काट दिया, ठीक है. वो उनकी फैमिली की नहीं थी, उनके साथ रहने आई थी कुछ टाइम के लिए, तो उसकी शादी करवाती है मिसेज राम से पॉल रैले के साथ. एग्जैक्टली राइट, वेरी गुड. जसबीर, कांता, उर्मिल, रमन, आर्यन, पवन, ओंकार, वेरी वेल डन. बलजीत, वेरी गुड, राइट. ओके नाउ वी मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 26 इज, इन द बिगिनिंग ऑफ अ पैसेज टू इंडिया, हु इज मोस्ट ओपन टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडियन इंग्लिश फ्रेंडशिप? ज्यादातर कैरेक्टर्स कहते हैं कि इंडियंस और इंग्लिश लोगों की, ओके वेरी गुड खुशी, वेरी वेल डन बच्चे. ज्यादातर कैरेक्टर्स इस नॉवेल में हालांकि ये कहते हैं कि इंडियंस और इंग्लिश की जो फ्रेंडशिप है वो पॉसिबल है, इंग्लैंड जाके पॉसिबल है, इंडिया में उनकी अच्छी दोस्ती नहीं हो सकती. पर एक कैरेक्टर है जो बिलीव करता है कि नहीं, जो है इंडियन इंग्लिश लोगों की फ्रेंडशिप हो सकती है. हु बिलीव्स दैट? हमीदुल्ला, अजीज,
महमूद अली और हमीदुल्लाज वाइफ. वेरी गुड उर्मिल. हां जी, सम मोर आंसर्स प्लीज. अभी तक उर्मिल, बलकार, सॉरी नो, बलकार इज नॉट राइट. रविंदर यू आर ऑल्सो राइट. बच्चे, इट इज हमीदुल्ला. हमीदुल्ला राइट. जसबीर इज ऑल्सो राइट. पवन इज ऑल्सो राइट. ओमकार इज राइट. रूही यू आर ऑल्सो राइट. रविंदर यू आर राइट. रितु, सुनील, खुशी, कांता, यस. हमीदुल्ला जो कि अजीज का फ्रेंड भी था, कभी वो उसको अपना अंकल भी कहता था. ठीक है, ही बिलीव्ड इन द पॉसिबिलिटी. अदरवाइज ज्यादातर कैरेक्टर्स जो है, डॉक्टर फील्डिंग भी यही बोलता था कि ये फ्रेंडशिप इंडिया में पॉसिबल नहीं है, इंग्लैंड जाके पॉसिबल हो सकती है. यहाँ पे इंडिया में रहते हुए तो जो इंग्लिश लोग हैं वो इंडियंस को डोमिनेट ही करेंगे, उनको सप्रेस ही करेंगे. ठीक है, यस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 वी मूव ऑन टू. द फिलोसफी ऑफ डैश वॉज मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ लॉरेंस. हाँ जी, लॉरेंस किसकी फिलोसफी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे? बालजैक, दांते, नीचे और गोथ. हाँ जी बच्चे, दे आर लेफ्ट. आई विल एड देम ऑन, डोंट वरी. हाँ जी, किसकी फिलोसफी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे डी एच लॉरेंस? बालजैक, दांते, नीचे और गोथ. एंड आई विल टेल यू द रीजन आफ्टरवर्ड्स. फर्स्ट आई नीड द आंसर्स. उर्मिल, हैव यू रेड अबाउट इट? या गैस हो रहा है बच्चे? डिड यू रीड अबाउट इट एनीवेयर? ओके, राइट, आई एम गेटिंग राइट आंसर्स. ओ वेरी गुड. सुनील, उर्मिल, अनु, सुनीता, जसबीर, रमन, यस, यू ऑल आर राइट. बच्चे, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम नीत्शे, राइट? क्योंकि इन लोगों की फिलॉसफी ये कहती थी दैट यू शुड बी आंसरेबल टू योर बॉडी, टू योर फ्लैश एंड नॉट टू योर माइंड. वो कहता है कि अगर, मतलब मुझे कई बार ये थोड़ी अजीब भी लगती है, ठीक है, कि इस बात को हम पूरी तरह से नहीं अग्री कर सकते, पूरी तरह से फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन नीचे और लॉरेंस करते हैं इस बात को फॉलो कि जो चीजें आपकी बॉडी डिमांड करती हैं, कि मेरा पिज्जा खाने का मन कर रहा है जबकि मुझे पता है कि वो हार्मफुल है, ठीक है, इतना ज्यादा जो है न्यूट्रिशियस नहीं है, मुझे न्यूट्रिशियस चीजें ही खानी चाहिए, लेकिन जो है मैं तो खाऊंगा. ठीक है, तो जैसे सन्स एंड लवर्स में उन्होंने बात करी दैट आई एम आंसरेबल टू माई ब्लड, टू माई बॉडी एंड नॉट टू माई माइंड, राइट? तो वो फिलॉसफी नीचे से आती है. ओके, विच कंसेप्ट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय लॉरेंस इन हिज नॉवेल्स? प्रिमिटिविज्म, रियलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म और नेचुरलिज्म? विच कॉन्सेप्ट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय लॉरेंस इन हिज नॉवेल्स? प्रिमिटिविज्म, रियलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म और नेचुरलिज्म? वेरी गुड शीनू एंड मंगत. इट इज प्रिमिटिविज्म. वेरी गुड सुनील, रमन, जसबीर, यस, इट इज प्रिमिटिविज्म. बच्चे क्यों? अगेन फिर वो ये पहले वाली बात थी, नीचे वाली बात थी, कि वो कहते थे कि जैसे जो प्रिमिटिव मैन जो था, अर्ली मैन जो था, वो भी सिर्फ अपनी अपनी बॉडी की डिमांड्स को सुनता था. ठीक है, भूख लगी है, किसी भी जानवर को मार दिया, खा लिया. दिमाग की नहीं, कि दिमाग ये कहे अरे नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये पाप हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा. नॉट लाइक दैट. यस, जैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस में है. सो ही पॉपुलराइज्ड प्रिमिटिविज्म थ्रू हिज नॉवेल्स. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29. फियर नो मोर हीट ऑफ द सन nor the furious winter's rage, from which novel these lines are taken? Yes, exactly Urmil, natural needs, obviously natural needs, hai na?
So, from where these lines are taken, fear no more heat of the sun, nor the furious winter's rages. It is taken from Voyage Out, Sons and Lovers, Lady Chatterley's Lovers, and Mrs. Dalloway. It is taken from It is taken from Mrs. Dalloway. Dalloway में आती है ये, और ये कहां से ली है actually? Cymbeline में से. ये नोट कर लीजिएगा प्लीज. Yes, exactly. Very good, Sunil. These lines appear in Mrs. Dalloway, but actually they are taken from William Shakespeare's drama Cymbeline. Okay? Yes. Now we move on to question number 30. When was the ban lifted from Lady Chatterley's Lover? 1928 mein publish hua ye pehli baar. Ban ho gaya because of its obscenity, because of its vulgarity. But then, kab ban lift hua? 1928, 50, 1960 or 1955? In which year the ban got lifted from Lady Chatterley's Lovers? Yes, very good. You all know it. Very good to all of you. Yes, it was lifted in 1960. Fabulous. Very well done. 1959 में दोबारा तैयारी हो गई थी इसको पब्लिश करवाने की, ठीक है? और 1960 में ये पब्लिश हो गया था दोबारा. Yes. Now we move on to question number 31. What was the original title of the Arrow of Gold? हाँ जी, Arrow of Gold, Conrad का वर्क, नॉवेला उसका. क्या टाइटल रखा था इसने पहले इसका? द क्राई, द लाफ, द स्माइल एंड द लाइफ. आर्यन बच्चे, जब हम लोगों ने राइटर्स करे थे ना, मैंने तभी आपको समरीज बोली थी. ओके, अच्छा, अब एमसीक्यूज के लिए कौन कौन सी करनी है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? Yes, it is the laugh. अब देखो, जैसे आज मैंने जीबी शॉ इंक्लूड नहीं करा. मैंने जीबी शॉ क्यों इंक्लूड नहीं करा? बिकॉज ही वॉज अ ड्रामेटिस्ट, ठीक है? तो ये नॉवेलिस्ट सी हैं, ठीक है? इसीलिए मैंने अकेला जो है लॉरेंस इंक्लूड करा, राइट? यस. देन नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32. एंड द क्वेश्चन नंबर 32 इज, who was instrumental in launching Lawrence as a writer? किसने बहुत ज्यादा इनकरेज करा और पूरी मदद करी लॉरेंस को एज अ राइटर लॉन्च करने में? जेसी चेम्बर्स, फ्रीडा और मिरियम. Who was instrumental in launching Lawrence as a writer? इट इज जेसी चैम्बर्स, है ना, जो कि ऑलमोस्ट फॉर टेन लॉन्ग ईयर्स डी एच लॉरेंस एंड जेसी चैम्बर वर इन अ रिलेशनशिप विद ईच अदर फॉर ऑलमोस्ट 10 लॉन्ग ईयर्स. बट देन ही ब्रोक अप, क्योंकि वो अपनी मदर के इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा था. ईडिपस कॉम्प्लेक्स की वजह से ही ब्रोक अप विद हर, राइट? नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33. Which was the only play written by James Joyce? Novels लिखे हैं James Joyce ने, सिर्फ एक play लिखा था. Finnegan Wakes, Dubliners, Ulysses और Exiles. Which was the only play written by James Joyce? It was, yes. इसमें तो कोई doubt ही नहीं है, क्योंकि बाकियों के बारे में हमें अच्छे से पता है, तो हम गेस कर सकते हैं. और वैसे भी हमें पता है कि एग्जाइल्स वॉज द ओनली ड्रामा रिटन बाय जेम्स जॉयस, राइट? देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34. हु इनवाइट्स एडल एंड मिसेस मूर टू अ टी पार्टी, जहां पे उनका फिर प्लान बनता है दैट दे विल
गो टू सी द मारबार केव्स विद अजीज, गुड बोले अजीज, मिस्टर फील्डिंग और हमीदुल्ला. हु इनवाइट्स एरिल एंड मिसेस मूर टू अ टी पार्टी, गुड बोले अजीज, मिस्टर फील्डिंग और हमीदुल्ला. मिस्टर फील्डिंग, बच्चे मिस्टर फील्डिंग इनवाइटेड देम फॉर द टी पार्टी एट देयर एट हिज हाउस. द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज, इफ यू रिमेंबर द कैरेक्टर ऑफ द नॉवल, मिस्टर फील्डिंग, ही इनवाइटेड देम. यस, सी मेनी ऑफ यू आर आंसरिंग इट राइट बट सम सीम टू बी कंफ्यूज्ड. इट वॉज मिस्टर फील्डिंग. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 35. द अनफिनिश्ड मेन्यूस्क्रिप्ट ऑफ थ्री गिनीज वॉज पब्लिश्ड इन, जो थ्री गिनीज वर्क है, अगेन फेमिनिस्ट वर्क वर्जीनिया वुल्फ का, बट वंस बींग अनफिनिश्ड, उसकी अनफिनिश्ड मेन्यूस्क्रिप्ट जो है वो किसमें पब्लिश हुई थी, द परगीटर्स, द प्रैक्टिशनर्स और द परकीटर्स. यस एग्जैक्टली शीनू, मिस्टर टर्टसन पब्लिश होस्टेड द पार्टी. Unfinished manuscript of Three Guineas was published in, it got published in the Purgators. It got published in the Purgators, bache. In the Purgators. Note it down. Okay. Now we move on to question number 36. Which of these is a poem written by D.H. Lawrence? England, My England, Birds and Beasts and Flowers, Twilight in Italy. Which of these is a poem written by D.H. Lawrence? No doubt he was famous for his novels, but he attempted other genres as well. He wrote essays, he wrote travelogues, he wrote poetry as well. So, isme se poem kaun si hai? England, My England, Birds, Beasts and Flowers, Twilight in Italy. Yes, it is. Very good to all of you. It is Birds, Beasts and Flowers. England, My England is a short story and Twilight in Italy was a travelogue. It was a travelogue, right? Kuch travelogues bhi likhe the, apni journeys ko leke, hai na? So it is a travelogue. The poem is Birds, Beasts and Flowers. Yes. Then we move on to next question, and the question number 37 is, in which year Sons and Lovers got published? हाँ जी, किस साल में पब्लिश हुआ था Sons and Lovers? 1912, 1914, 1910 or 1913? In which year Sons and Lovers got published? D.H. Lawrence का semi-autobiographical novel, बड़ा ही famous novel Lawrence का, किस साल में पब्लिश हुआ था? 12, 14, 10 or 1913? Yes, very good. Very good, all of you. It got published in 1913. Yes, you all are right. Very well done. Great. Now we move on to next question. And the question number 38 is, which of the following does not disturb Mrs. Moore in the Marabar Caves? Jab Edel aur Mrs. Moore caves dekhne ke liye jaati hain, Aziz ke saath, तो वो बीच में से भाग आती है, मिसेज मूर बीच में से भाग आती है ना, तो कुछ चीजें, क्योंकि उसको हेलुसिनेट कर रही थी, कुछ चीजें मिसेज मूर को डिस्टर्ब कर रही थी, बट देयर वर थ्री थिंग्स व्हिच वर डिस्टर्बिंग मिसेज मूर. सो व्हिच इज द ऑड वन आउट, द एको, द रिलीजियस सिंगिंग, अ बेबीज हैंड और द क्राउड. व्हिच थिंग डिडंट डिस्टर्ब मिसेज मूर इन द मारबार केव्स? There were three things which were disturbing her. The echo, the religious singing, a baby's hand, the crowd. Which is the odd one out? Yes, yes, you all are getting it right. It is the religious singing. The religious singing was not there. Okay? Usko kuch awaaze goonjti hui sunti hain. Ek bacche, usko aise lagta hai ki ek bacche ka haath mujhe aake baar baar chhu raha hai. Crowd se usko anxiety honi shuru ho jati hai. To she comes out of the cave, भाग के बाहर आ जाती है. ओके,
Yes. Now we move on to question number 39. Who dies at the war? Whose spirit hallucinates Septimus that he drowns into depression? Hanji. Yes, sometimes it is written baby's hand or baby's cry. Dono hi. ठीक है, दोनों ही लिखा हुआ है बच्चे. तो हाँ जी, कौन से उसके फ्रेंड की वॉर में डेथ हुई थी, उसके सामने उसकी स्पिरिट दिखाई देती थी सेप्टिमस को, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है. इट इज इवांस. वेरी गुड. इट इज इवांस. वेरी वेल डन. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 40. In which volume The Heart of Darkness got published? कौन सी वॉल्यूम का पार्ट था हार्ट ऑफ डार्कनेस? यूथ, लिंगार्ड ट्रायोलॉजी और रेस्क्यू? किसका पार्ट था हार्ट ऑफ डार्कनेस? यस, यू ऑल नो दैट. वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर एज वेल. द हार्ट ऑफ डार्कनेस गॉट पब्लिश्ड इन द यूथ. राइट. You all are right. Very good. It got published in the youth trilogy. Okay. The next question, question number 41 is the famous movie adaptation of The Heart of Darkness. Heart of Darkness was adapted for a movie as well. शायद आप लोगों ने देखी भी होगी. तो उस movie का नाम क्या है? Extinction, Apocalyptic, Apocryphal और एपोकलिप्स? हां जी, किस मूवी के लिए हार्ट ऑफ डार्कनेस को अडाप्ट किया गया था? किस स्टोरी, किस मूवी पे, कौन सी मूवी बेस्ड है हार्ट ऑफ डार्कनेस की स्टोरी पे? राइट जयरूप. वेरी गुड. यस, यू ऑल आर गेटिंग राइट. उर्मिल, रजनी, गुरप्रीत, पवनदीप, आर्यन, सुनील. यस, इट इज एपोक्लिप्स. मनप्रीत, वाओ. बलजीत, राइट. आर्यनप्रीत, उर्मिल, तक्ष. यस, यू ऑल आर राइट बच्चे. इट इज एपोक्लिप्स. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 42, विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली टू जिम? यस खुशी, यू आर ऑलवेज राइट. Maybe that is why I miss your name, because you are always right. Okay, Ruhi, we can include new, but actually we know that it is apocalypse, hai na? Okay, what happens ultimately to Jim? He commits suicide, he lives on, he is killed by Dane Voris. What happens to Jim and Lord Jim? The main character of Conrad's novel, Lord Jim. What happens to Jim in that story? Yes, he is killed by Dane Voris. Very good. Okay, so we have missed 5 questions. So I will be adding those questions in the next lecture, right? For Monday. Now for Monday, you will be preparing D.H. Lawrence summaries, right? D.H. Lawrence prepare karenge acche se. डीएच लॉरेंस में ऑब्वियसली सन्स एंड लवर्स अच्छे से पढ़ेंगे, लेडी चैटरलेज लवर्स अच्छे से पढ़ेंगे. डेन वॉरिस बच्चे, डेन वॉरिस, राइट. देन जीबी शॉ, और क्योंकि जीबी शॉ के कई वर्क्स हैं, तो उन वर्क्स में जो समरीज आप अच्छे से पढ़ेंगे, जो मैंने आपको शायद पहले भी बताई हैं, वो कौन सी हैं? एप्पल कार्ट. ज्यादा कुछ नहीं है एप्पल कार्ट में, ठीक है. Saint Jones is one work. Then Arms and the Man. वैसे तकरीबन बच्चे जो मैंने डिस्कस करी थी, जो मैंने डिस्कस करी थी, Arms and the Man है, ठीक है. Yes, Pygmalion है, right? तो जो मैंने summaries डिस्कस करी हैं, जब मैं summaries कहती हूँ कि summaries पढ़ेंगे, तो
वही वही समरीज पे हमने कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करना है जो हमने डिस्कस करी हैं, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से, सिलेबस वाइज ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो फॉर मंडे यू विल बी प्रिपेयरिंग द समरीज इन डिटेल ऑफ डी एच लॉरेंस वर्क्स. ठीक है, जो हमने मैंने आपको इम्पोर्टेंट बोली है, सन्स एंड लवर्स है, लेडी चैटरलीज लवर्स है, ठीक है, और जी बी शॉ के ये कुछ वर्क्स, राइट. तो ये राइटर्स आप अच्छे से जो है पढ़ेंगे साथ में, एंड विद दैट आई विल बी एडिंग सम क्वेश्चन फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स एज वेल, राइट. आई फॉरगेट अबाउट आफ्टर रीडिंग व्हाट शुड आई डू. दिलबाग, हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन दैट आई फॉरगेट आफ्टर रीडिंग व्हाट शुड. बच्चे बेसिकली इज दैट व्हेन वी रीड ओनली वंस वी टेंड टू फॉरगेट. कई बार ऐसे होता है कि एक ही बार पढ़ा है तो हम भूल जाते हैं, लेकिन उन चीजों को दो 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 बार, दो दो तीन तीन बार पढ़ो. हाँ जी रमन, आई विल बी इंक्लूडिंग दैट. वो तो आप लोगों के प्रिपेयर्ड ही है. कोई मुझे अगर वर्जीनिया वुल्फ का नया क्वेश्चन मिलेगा तो मैं ऐड करूंगी. मुझे कोई जेम्स जोइस का नया क्वेश्चन मिलेगा, फॉस्टर का नया क्वेश्चन मिलेगा तो मैं ऐड करूंगी. ठीक है, और बेसिकली वी विल डू डीएच, ज्यादा मेरा फोकस होगा डीएच लॉरेंस और जीबी शॉ पे. ओके, एंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स, बट आई विल बी एडिंग इफ आई फाइंड सम न्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्जीनिया वुल्फ, रिलेटेड टू जेम्स जोइस, फॉस्टर, समथिंग लाइक दैट, राइट. डोंट वरी ओमकार. बच्चे अभी तक आपने शायद एक एक बार पढ़ी है समरीज वगैरह. ठीक है, जब तक आपका एग्जाम होना होगा आप लोग तीन तीन चार चार बार पढ़ चुके होंगे. आप लोग तीन तीन चार चार बार पढ़ चुके होंगे. व्हाट डिड यू क्वेश्चन प्रीति? आई डिडंट रीड योर क्वेश्चन प्रीति. आपने क्या पूछा प्रीति अभी? हाँ जी प्रीति, आई कुडंट फाइंड योर क्वेश्चन. बच्चे विच थ्री पार्ट्स ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट इज अ यंग मैन. थोड़े से तो मैं भी भूल जाती हूँ. ठीक है, मुझे भी आर्टिस्ट एज अ यंग मैन के. लेट मी जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स. एक तो लिरिक है उसमें पार्ट, इफ आई डोंट इफ आई एम नॉट कंफ्यूज्ड. एक लिरिक है, एक शायद म्यूजिक पोएम ऐसे करके कुछ पार्ट्स हैं. ठीक है, आई विल क्लैरिफाई टू यू ऑन मंडे, राइट. यस, लिरिकल एपिक ड्रामेटिक. वेरी गुड रितु, थैंक यू सो मच. लिरिकल एपिक एंड ड्रामेटिक, दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन. खुशी, आप हार्ड टाइम्स पे चले गए बच्चे. यस, तो रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आर पेड ग्रुप्स, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दीपक सर को इन नंबर्स पे. एंड व्हाट्सएप फ्री ग्रुप की भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई. इंग्लिश का हमारा जो पेड ग्रुप है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड इट फ्यू डेज बैक, तो प्लीज ज्वाइन इट एज सून एज यू कैन टू गेट द मोस्ट ऑफ द बेनिफिट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर मास्टर केटर एग्जाम, राइट. सो आई वुड एंड द लेक्चर ऑन दिस नोट. So keep preparing yourself for your Master Cadre exam whenever it happens. And thank you so much. Have a good day and keep taking care of yourselves. We'll see you on.